सवाल है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर किस प्रकार टिकी हुई है। एक सीढ़ी है वो दीवार पे टिकी हुई है, इसका निचला हिस्सा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं हमारी क्या है, दीवार है, ठीक है ना। ये क्या हो गई, दीवार हो गई। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, इसका निचला हिस्सा दीवार से 2.5 मीटर दूरी पर है। अब दीवार है, कितनी दूरी पे है, 2.5 निचला हिस्सा। अब सीढ़ी तो ऐसे टिकेगी ना, सीढ़ी सीढ़ी तो जानते हो, सीढ़ी कुछ ऐसी होती है ना, हाँ ऐसी सही। क्या होती है, अब क्या बन गई, सीढ़ी बन गई ना। तो क्या कहा है कि एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, तथा ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी खिड़की तक पहुंचता है, है ना। यानी आपको दे दिया है 6 मीटर की ऊंचाई पे, जो दीवार की ऊंचाई है यहाँ पे क्या है, खिड़की है, यहाँ तक पहुंचता है ऊपर वाला हिस्सा। तो सीढ़ी की लंबाई, यानी हमारी सीढ़ी कितनी लंबी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे इसका नाम रख देते हैं, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी, ठीक है। सवाल फिर समझ लेते हैं कि एक सीढ़ी को, ये क्या है, सीढ़ी है। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, इसका निचला सिरा नीचे वाला हिस्सा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर। देख लो, ये हमारी दीवार थी, हमने 2.5 मीटर दूरी पे इस सीढ़ी को टिका दिया है, ठीक है। और आगे क्या कहता है, तो ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर है। जो आपकी ये भूमि है, यहां से 6 मीटर ऊंचाई पे अगला हमारा सिरा है, ठीक है। तो हमें इस सीढ़ी की लंबाई बतानी है, ठीक है। अब चूंकि दीवार है तो यहां बन जाएगा समकोण त्रिभुज, क्या बन जाएगा, समकोण, तो सीधी दीवार खड़ी होती है, दीवार सीधी रहती दीवार ना। अब समकोण त्रिभुज यहां तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पहले के लोग माना, जो हमने माना था, क्या माना है, माना माना हल, यानी ना कहने ना हल, माना ए बी, ए बी एक सीढ़ी है, यही ना माने हो, ठीक है। जो माने हो लिख दो, माना ए बी हमारी क्या है, सीढ़ी है, जिसमें है ना। देखो इसमें आपको क्या दिया है, खिड़की कहां पे है, ए पर है, इसमें ए पर क्या है, खिड़की है, यही ना बोला है कि खिड़की पे क्या है, टिकी हुई है। और एसी बराबर कितना हमारा है, दीवार जो खिड़की से दीवार पे टिकती है, एसी बराबर कितना है आपका 6 मीटर, और बीसी बराबर कितना दिया है 2.5 मीटर। यानी लंब दिया है, आधार दिया है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो चलो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय सी, ठीक है। अभी हमने यहां पे क्या लिखा है, माना था ए बी हमारी क्या है, सीढ़ी है, और यहाँ ए पर क्या है, खिड़की है। ए सी बराबर 6 मीटर दिया है, और बी सी बराबर दिया 2.5 मीटर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो समकोण त्रिभुज, हमें क्या निकालना है, इस सीढ़ी को, इसको क्या निकालना है, सीढ़ी को निकालना है। तो सीढ़ी किसका काम कर रही है, कर्ण का काम कर रही है। तो समकोण त्रिभुज लगा दी पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहती है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। एकदम मंत्र याद कर लेना इसको, बहुत काम की चीज है पाइथागोरस प्रमेय, पक्का आएगा ये, कथन आता है या किसका सवाल आएगा, इस चीज गारंटी है, या दो नंबर सवाल आ जाएगा या फिर कथन दे देगा एक नंबर में, कि पाइथागोरस क्या लिखिए, कथन लिखिए, तुम लिख देना है किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। तो चलो कर्ण कितना पता ही नहीं है, तो कर्ण हो गया हमारा ए बी,
तो यहाँ पे AB का वर्ग बराबर आधार 2.5 BC का वर्ग, BC का वर्ग प्लस लंब AC का वर्ग, AC का वर्ग। मान रखो बेटा BC का कितना मान है 2.5 का आप वर्ग कर दोगे, AC का मान कितना है 6, तो 6 का आप वर्ग कर दोगे। अब क्या करोगे 2.5 × 2.5 करोगे, गुणा कर दो है ना। अब चूंकि 25 में क्या होता है 25 होता है, तो 6.25 इसका आ गया 6×6=36। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 36×6=42, 42.25। यहां तक तो सब कर लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। AB का वर्ग, अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे यहां समस्या हो जाती है कि इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए। पहले आप देखोगे AB बराबर तो आ जाएगा आपको √42.25। अब क्या करेंगे हम इसका निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है, दशमलव वाले क्या निकालेंगे अपन लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो चलो देखो जब कोई संख्या दशमलव में रहे वर्गों पर निकालेंगे तो आप पहले क्या करो उस संख्या को लिख लो, 42.25 हो गया ना। अगर समंक में है 2, 4, 6, 8 में तो ठीक है, अगर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो 0 बढ़ा दो, क्या करो 0 बढ़ा के। तो यहां से पीछे साइड से 2 के जोड़े क्या बनाओगे, जोड़े पीछे बनाना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। जोड़ा कहां से बनाओगे, पीछे साइड से बनाओगे। अब देखो यहां कितना है 42 नाम आ रहा है, तो तुम्हें ऐसी संख्या वर्ग करना है जिसका वर्ग 42 से ज्यादा ना हो। तो देखो अगर 6 करें 6×36 49, तो 49 ज्यादा हो जाएगा और 36 क्या रहेगा कम रहेगा। यहां पे आप लिखो 6, ठीक है, अच्छे से आप यहां पे गुणा भी कर देना, जिस संख्या को लोगे उसको गुणा भी करोगे। 6×36 कितनी बार गया है 6 बार गया है, तो यहां पे 6×36 लिख दो यहां पे, अच्छा कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो 42 में घटाओ 36 यार कितना बचा आपका, 6 बचेगा, ये वाला तो उधर ही आएगा, ठीक है, इसको उतार लिया ना नीचे भाई, यहाँ 42 में 36 रह दिया, 6 बचा इसको उतार लिया। अब देखो 6×6=12 हो गया ना, यहाँ पे अभी दशमलव भूल जाओ, दशमलव को भी भूल जाओ थोड़ा सा, कितना दिया है 6×25 दिया है ना, अंत में क्या है 5। अगर किसी संख्या अंत क्या हो 5 तो 5 से कटेगा यहाँ पे, या तो फिर यहाँ 5 से कटेगा यहाँ, देखो 5 लिया हमने, चेक कर लेना है जितना लेना उतना गुणा भी कर बता देना, अगर आप 5 लोगे तो 5 से गुणा भी करोगे, तो 5 से गुणा हमने कर दिया तो 25 5×2=10, 5×5=6 कटना गया, कितनी बार गया तो गया आपका 5 बार, ठीक है। चलो इसको थोड़ा ऊपर बता देते हैं, ये आपका हुआ 42.25, इसका क्या करना है वर्गमूल लेना है, तो इधर से क्या करोगे बेटा 2 के जोड़े बनाओगे, ये हमेशा काम देगा, भाग जिससे वर्गमूल है, ठीक है, क्या करोगे 2 का जोड़ा बनाओगे। अब जोड़ा कहां से बनाओगे, पीछे साइड से, कहां से बनाओगे पीछे साइड से बनाओगे जोड़े 2 के, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करके मिटा देता हूं, थोड़ा सा वहां दिखाई नहीं दे रहा, चलो देखो इसको थोड़ा सा, ये बहुत जरूरी है, पेपर में भूल जाओ तो दिक्कत पड़ेगी, नंबर तुम्हें मिलेगा नहीं पूरा पूरा। 42.25 है, इसका में क्या करना है वर्गमूल क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखो पीछे से बनाओ जोड़े, कहां से बनाओ जोड़ा पीछे से, एक जोड़ा दो जोड़ा बन गया। अब इस पहले जोड़े को देखो ध्यान से, कितना लिखा 42, ऐसी संख्या का वर्ग लेना जिसका वर्ग 42 से ज्यादा ना हो। तो हम 6 लेंगे, 6×36 49 ज्यादा हो जाएगा 6 ले लेंगे, तो हमने 6 ले लिया, ठीक है, कितनी बार गया है 6 बार गया है, तो यहां भी उसको आप लिख दोगे 6×36, ठीक है। तो 42 में घटाओ यार 36, तो 12 में 6 × 6=0 2.5। अब इसको जोड़ लेना, क्या करो उसको जोड़ोगे, 6×6 कितना हुआ 12 हो गया। अब ऐसी संख्या लो यहां पे जो लोगे ना उसको गुणा भी उसी से करोगे, 125 ज्यादा
ना हो। मान लो अगर हम यहाँ एक लेंगे बेटा तो एक से गुणा भी करेंगे, दो लेंगे तो दो से गुणा भी करेंगे, चूंकि इकाई अंक पांच है तो पांच ही आपका आएगा। तो यहाँ पर क्या लेते हैं पांच, अब पांच से गुणा भी करना पड़ेगा, तो पचम पच्चीस, पांच दो निदार दस, दो बारह, पांच का पांच है छ, जीरो हो गया। दशमलव था ना, देखा दशमलव तो लगा दिया, कितनी बार गया है पांच बार, आपके यहाँ पे आ गया पांच, यानी कितना वैल्यू आ गया इसका छह दशमलव पांच आ गया। तो ए बी बराबर छह दशमलव पांच आपका उत्तर हो गया। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ, सवाल हमारा यहाँ पे दिया था एक सीढ़ी थी जो क्या थी, दीवार से, दीवार की खिड़की से छह मीटर की ऊंचाई पे थी और निचला सिरा था 2.5 मीटर की दूरी पे था। ठीक है, यानी एक हमें दीवार थी, दीवार से निचले सिरे की सीट लंबाई 2.5 मीटर और खिड़की जो बनी थी कितने में थी 6 मीटर में थी, तो हमें सीढ़ी की क्या करनी थी लंबाई ज्ञात करनी थी। क्योंकि हमारा एक समकोण त्रिभुज बन चुका है इसलिए हम क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, और प्रमेय कहती है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देख लेते हैं ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब कर्ण हमारा क्या था ए बी था, तो ए बी का वर्ग, आधार कितना है बीसी, तो बीसी का वर्ग, और लंब कितना है एसी, तो एसी का हमने वर्ग कर दिया। अब मान बीसी का मान 2.5, तो 2.5 का वर्ग कर दिया, एसी का मान कितना है 6, तो 6 हमने वर्ग करा। अब वर्ग का मतलब होता है उसी का उसी में गुणा, तो 2.5 हमने किस में गुणा किया 2.5 में किया, तो आ गया 6.25, 6×6=36, दोनों को जोड़ा 2.25 आया। अब चूंकि इसका वर्ग में था निकालेंगे वर्गमूल, अब चूंकि दशमलव में है तो वर्गमूल निकालने तक हमने बता दिया इस तरीके से निकालना है, ये तुम्हारा क्या हो गया उत्तर। ठीक है, इधर अतः यहाँ एक लाइन जो लिखा करो, इसके भी एक नंबर कट जाते हैं, अतः इसकी लंबाई सीढ़ी की लंबाई ए बी बराबर 6.5 मीटर।